इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर एक एक्टिविटी के बारे में ये एक बेसिक एक्टिविटी है जो कि नेटवर्क्स के बारे में जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं वो इसको सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द टीसीपी आई पी स्टैक सो देर आर फोर लेयर्स इन द टीसीपीआईपी स्टैक बहुत सारे किताबों में पांच लेयर्स बोल के बताते हैं वो जो लास्ट वाला लेयर है फिजिकल लेयर उसको वो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दो अलग अलग लेयर्स बताते हैं लेकिन ये जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल है उसमें बस चार लेयर्स ही हैं और नेम द लेयर्स ऑफ द डीसीपी आई पी तो वो हो गया एप्लीकेशन लेयर फिर ट्रांसपोर्ट लेयर फिर आ गया नेटवर्क लेयर फिर फाइनली सबसे नीचे आ गया फिजिकल लेयर या फिर इसको और एक नाम से पुकारते हैं लिंक लेयर ये एक ही लेयर है नेम टू प्रोटोकॉल्स फ्रॉम ईच लेयर तो मैं एप्लीकेशन लेयर को ए एल करके लिख रहा हूं ए एल में हो गया आपका एच टी टी पी डीएनएस ट्रांसपोर्ट लेयर में हो गया यूडीपी टी सी पी एस टी टी पी क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल टी सी पी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फिर आ गया नेटवर्क लेयर में है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल ए आर पी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल फिजिकल लेयर में आ गया आर लेटी टू इथरनेट तो क्या है आप सबको ऑलमोस्ट पता होगा आर एस टू थर्टी टू सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है पहले कंप्यूटर्स में ये वाला पोर्ट हुआ करता था आजकल के कंप्यूटर्स में ये ज्यादा आता नहीं है लेकिन ये बस याद रखो कि ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था और भी बहुत सारे हैं बट ये थोड़े से कॉमन वाले हैं आर पैकेट कॉल्ड इन ईच लेयर अच्छा एप्लीकेशन लेयर में इनको बोलते हैं मैसेजेस ट्रांसपोर्ट लेयर में इनको बोलते हैं सेगमेंट्स नेटवर्क लेयर में इनको बोलते हैं पैकेट्स और फिजिकल लेयर में इनको बोलते हैं फ्रेम्स आर एड्रेसेस कॉल्ड इन ईच एप्लीकेशन लेयर में इनको बोलते हैं यू आर आईज यू आर आई का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या कोई भी एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है उसको यू आर आई बोलते हैं फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट्स आ जाते हैं नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसेस आ जाते हैं फिर फिजिकल लेयर में हार्डवेयर एड्रेसेस यानी तो फिर मैक एड्रेसेस भी इनको बोलते हैं राउटर डस टू ऑपरेशन प्राइमरीली व्हाट आर दे तो एक तो हो गया राउटिंग राउटिंग में क्या होता है कि राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो एक राउटर के पास अब एक पैकेट आता है तो वो फिर वो देखता है ना कि वो कौन से नेक्स्ट राउटर को उसको आगे करवाएगा तो ये सब क्या करते हैं टेबल को देखते हैं कि चलो ये पैकेट के अंदर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये इस टेबल जो राउटिंग टेबल है उसके कौन से रो के साथ मैच करता है तो जो भी रो उनको मिल गया उसमें लिखा होता है कि चलो ये रो के साथ अगर मैच हो गया तो इसको इस इंटरफेस से आगे करो इस राउटर को और टेबल में ये सब होता है तो ये टेबल बनाने के लिए बहुत सारे अलगोरिदम्स हैं जो राउटर्स एक दूसरे से बात करके मैं यहाँ पे हूँ ये मुझसे इतने दूरी पे है तो ये उसके नेबर को बताएगा सब एक दूसरे को बता के वो टेबल्स बनाते हैं जो राउटिंग अलगोरिदम्स यूज़ करके जैसे कि हो गया आर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल ओ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल बीजीपी बॉर्डर गेट प्रोटोकॉल मेरे कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि ये सब हैं अगर नहीं भी हैं तो मैं बहुत जल्दी इनको पब्लिश करूंगा तो वो जो प्रोसेस है ये टेबल बनाने का इस प्रोसेस को राउटिंग बोलते हैं लेकिन एक बार ये राउटिंग के टेबल्स बन गए उसके बाद राउटर्स क्या करते हैं फॉरवर्डिंग मतलब एक पैकेट आया उसके अंदर वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखते हैं फिर ये राउटिंग टेबल को देखते हैं राउटिंग टेबल के अंदर वो रो बाई रो जाते हैं है ना तो चलो ये जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है जो फॉर्मेट है ये मैच कर गया एक रो के साथ तो उस रो में जो लिखा होगा कि चलो इसको जो भी पैकेट मैच करता है इनको इस इंटरफेस से निकालो फॉरवर्ड करो ताकि वो उस इंटरफेस के साथ जो भी दूसरा राउटर उसका नेबरिंग राउटर कनेक्टेड है ये पैकेट फिर उसके पास जाए तो ये जो प्रोसेस है कि टेबल को देखो फिर पैकेट को मैच करा के जो उस रो में जो भी नेक्स्ट इंटरफेस है उसको फॉरवर्ड करने का जो प्रोसेस उसको फॉरवर्डिंग बोलते हैं तो राउटर्स राउटिंग और फॉरवर्डिंग करते हैं एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू ए पैकेट अट अ लोअर लेयर इज कॉल्ड एनकेपलेशन जब पैकेट एप्लीकेशन लेयर पे आता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसके ऊपर सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट चेक्सम यह सारे इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लगाता है तो मैसेज को उसके अंदर रखता है पेलोड करके फिर उसके ऊपर ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगाता है जैसे कि हम कोई चिट्ठी लिखते हैं उसको एक एनवलॉप के अंदर डालते हैं फिर ट्रांसपोर्ट लेयर जब नीचे नेटवर्क लेयर को देता है तो वो भी उसके ऊपर फिर सोर्स आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो कि आईपी को चाहिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को चाहिए वो सब उसके ऊपर लगाते हैं फिर जब नीचे के लेयर पर जाता है फिजिकल लेयर में तो उसके ऊपर फिर सोर्स हार्डवेयर एड्रेस डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस बहुत सारे चीजें सीआरसी साइक्लिक रिटर्न एंड सी चेक ये सब उसके ऊपर लगाया जाता है तो ये जो प्रोसेस है कि ऊपर के लेयर के इंफॉर्मेशन लो और नीचे के लेयर उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगाते हैं उसको एनकैप्सुलेशन बोला जाता है अच्छा रिमूविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पैकेट सेंडिंग टू हायर लेयर्स इज कॉल्ड ये हाइय्सुलेन में क्या होता है जब पैकेट फिजिकल लेयर के पास आके पहुंचता है वो क्या करता है कि चलो मुझे मेरा इंफॉर्मेशन निकाल देना है तो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस सोर्स हार्डवेयर एड्रेस और बाकी जो भी फिजिकल लेयर के इंफॉर्मेशन है वो उसको निकाल देगा निकाल के ऊपर करेगा ऊपर फिर नेटवर्क लेयर पे सोर्स आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि दूसरे कंप्यूटर के आईपी लेयर ने उसके ऊपर लगाया था वो उसको निकाल के पैकेट को ऊपर करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर फिर पोर्ट्स वगैरह वो सब निकाल के एप्लीकेशन लेयर के पास जाके मैसेज पहुंचेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डी कैप्चुलेन अच्छा विच प्रोटोकॉल गिव्स द आईपी एड्रेस ऑफ ए डोमेन नेम डीएनएस ठीक है डोमेन नेम सिस्टम इसको यूज करके हमारे पास कोई अगर एक डोमेन नेम है या कोई भी एक होस्ट नेम है पर होस्ट नेम से तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकता नेटवर्क को जो आई पी एयर को वो तो उसको तो आईपी एड्रेस चाहिए तो आईपी एड्रेस हम कैसे निकालें हम ये डीएनएस प्रोटोकॉल यूज करके कोई भी होस्ट नेम या डोमेन नेम का हम आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं मेरा एक डीएनएस के ऊपर वीडियो है उसको अगर आप जाके देखेंगे तो ये आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा राउटर्स डिकैप्सुलेट अंटिल वॉट लेयर तो इसका आंसर है नेटवर्क लेयर क्या होता है आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन लेयर से डेटा जाता है नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे फिर उसके बाद वो नीचे जाता है नेटवर्क लेयर पे फिर वो जाता है फिजिकल लेयर पे मान लो आप एक राउटर के साथ कनेक्टेड है तो आपका फिजिकल लेयर तार या वाईफाई से राउटर के फिजिकल लेयर से कनेक्टेड है वो फिर क्या करेगा जब वो पैकेट जाके राउटर के पास जाके पहुंचेगा वो क्या करेगा डी करेगा है ना फिजिकल लेयर के इंफॉर्मेशन को निकाल के राउटर के नेटवर्क लेयर को पैकेट को देगा राउटर इसमें क्या देखेगा राउटर को चाहिए डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और वो नेटवर्क लेयर जो आईपी पैकेट है उसमें उसको मिल जाएगा तो उसको और ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर में जाने की जरूरत नहीं है वो नेटवर्क लेयर से ही डिसाइड कर पाएगा कि चलो ये जो पैकेट है ये मैं इस अलग राउटर को फॉरवर्ड करता हूं ठीक है तो यहां से ही वो फिर से नीचे आके अपने फिजिकल लेयर से कोई दूसरे राउटर के फिजिकल लेयर को पैकेट को वो फॉरवर्ड कर देगा है ना वो फिर ऊपर अपने ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर में वो जाएगा नहीं तो इसका आंसर है नेटवर्क क्योंकि यहीं पे उसको जो आईपी एड्रेस का जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वो उसको वहां पे मिल गया तो उसके ऊपर और वो डिकैप्सुलेट नहीं करेगा राउटर्स आर इंटरेस्टेड इन वट काइंडर्डिंग आईपी एड्रेसेस उनको आईपी एड्रेसेस चाहिए एक बार उनको आईपी एड्रेस मिल गया डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कहां पैकेट जा रहा है उसको देख के वो फॉरवर्डिंग कर सकते हैं और ये हमने ये क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमने डिस्कस किया और क्वेश्चन नंबर टेन में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया अच्छा राउटर्स ऑलवेज डिकैप्सुलेट एंड एनकैप्सुलेट ए फ्रेम फ्रॉम एंड टू द सेम फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल वाइल फॉरवर्डिंग ट्रू या फॉल्स इसका आंसर है फॉल्स क्यों क्योंकि अगर एक राउटर है यहां पे, वो क्या हो सकता है मान लो वाईफाई यूज करके ये मान लो तुम्हारे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है और मान लो ये तार के साथ कोई एक दूसरे राउटर से कनेक्टेड है ये मान लो कोई एक ये जो तार है मान लो ये एक इथरनेट केबल है नहीं तो एक को केबल ठीक है ये जो को जो घर पे जो केबल टीवी आता है उसको को केबल बोलते हैं उसको साथ कनेक्टेड होके वो कहीं और आया हुआ है तो इन सब के ना डिफरेंट फ्रेमिंग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं ये फिजिकल लेयर सारे अलग अलग हैं कैसे इनमें चेकसम निकलता है कैसे इसमें एरर कंट्रोल होता है क्या होता है ये सब कुछ अलग अलग हो सकता है तो आपके लैपटॉप से अगर पैकेट राउटर के पास आया तो इसने फिजिकल लेयर वायरलेस फिजिकल लेयर से वो पैकेट को लिया डिकैप्सुलेट करके उसको नेटवर्क लेयर पे दिया नेटवर्क लेयर पे उसने आईपी एड्रेस देखा कि चलो ये आईपी एड्रेस है क्योंकि राउटर को तो आईपी एड्रेस चाहिए फॉरवर्डिंग करने के लिए उसके बाद उस डिसाइड किया कि चलो ये जो पैकेट है ये मैं ये इथरनेट वाले जो लिंक पे जो दूसरा राउटर यहां पर कनेक्टेड है मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तो फिर फिजिकल लेयर में वो वो जो वायर्ड जो 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 लैंड केबल वाला जो फिजिकल इंटरफेस है वो जैसे फ्रेमिंग करेगा जो प्रोटोकॉल फिजिकल लेयर में यूज करके उसको फ्रेमिंग करेगा उसको यूज करके वो फिर उसको एनकैप्सुलेट करेंगे नेटवर्क लेयर के पैकेट को फिजिकल लेयर पे तो आया वायरलेस में गया ये तार के ऊपर दोनों के फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल्स अलग अलग हो सकते हैं तो ये वायरलेस पे आया मतलब ये नहीं है कि जब जाएगा राउटर के बाहर कोई दूसरे राउटर के पास पोटेंशियली तो वो वायरलेस पे ही जाएगा तो वो सेम फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल में फिर से एनकैप्सुलेट हमेशा नहीं करेगा ये जरूरी नहीं है व्हाट कॉमन पोर्ट इज यूज्ड बाय एचटीटीपी ये याद रखने वाली चीज है ये पोर्ट नंबर 80 ठीक है मतलब सर्वर के साइड पर आप अगर एस कोई भी सर्वर को कनेक्ट करना चाहते हो अगर अलग से आपने आपको किसी ने बताया नहीं है कि चलो ये एटी पे नहीं चल रहा है कोई दूसरे पोर्ट पे चल रहा है वैसे चला सकते हो दूसरे पोर्ट पे एस सर्वर चलते हैं लेकिन उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है अगर नहीं बताओगे तो बाई डिफॉल्ट तुम्हारा जो वेब ब्राउजर है वो जाके सर्वर के पोर्ट नंबर एटी को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा पोर्ट्स आर सिक्सटीन बिट अनसाइंड नंबर हाउ मेनी पोर्ट्स आर पॉसिबल तो अनसाइंड सिक्सटीन बिट में कितने नंबर्स बन सकते हैं सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स बेसिकली टू टू पावर सिक्सटीन है तो हम नंबर्स कहां से कहां तक बना सकते हैं जीरो से सिक्स माइनस वन तक बना सकते हैं वैसे पोर्ट नंबर जीरो कभी यूज नहीं होता तो वन से लेके सिक्स फाइव फाइव थ्री फाइव तक पोर्ट नंबर हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट आर मेड ऑफ फोर ऑक्टेट्स मतलब एक ऑक्टेट में आठ बिट्स होते हैं हाउ मेनी आई पी एड्रेसेस आर पॉसिबल इफ हीच ह्यूमन नीड्स एटलीस्ट वन आई पी एड्रेस कैन वी सैटिस्फाई द डिमांड साइमल्टेनियसली तो इसमें हम देखेंगे कि एक आई पी एड्रेस जो है उसमें चार ऑक्टेट्स हैं मतलब ये एक ऑक्टेट हो गया अपने आई पी एड्रेस अगर देखा होगा जो कि आई थिंक सब लोग एक एक बार अपने देखा होगा तो इसमें ये होता है ना कैसे मान लीजिए टेन जीरो वन सेवनटीन ऐसे होता है तो ये जो हो गया ये एक ऑक्टेट है इसमें आठ बिट्स हैं इसमें भी आठ बिट्स हैं इसमें भी आठ बिट्स हैं इसमें भी आठ बिट्स हैं तो टोटल कितने बिट्स हो गए एक आईपी एड्रेस में पी वर्सन फोर वाले एड्रेस में आईपी आईपी में तो बहुत ज्यादा होता है वर्जन वाले एड्रेस थर्टी टू बिट्स हो गए और थर्टी टू बिट्स में अब कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं मतलब ये तो पूरा बाइनरी अरिथमेटिक हो गया एक बिट है तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन हैं जीरो और वन दो बिट्स हैं तो हमारे पास टू पावर टू यानी कि फोर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना कि जीरो 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 वन वन जीरो वैसे करते करते अगर हमारे पास थर्टी टू बिट्स हैं तो हम टू ट्रितिपावर थर्टी टू कॉम्बिनेशन बना सकते हैं तो यह बहुत बड़ा नंबर है ये लगभग फोर बिलियन के आसपास है एक बिलियन में नौ जीरो होते हैं तो अगर एक ह्यूमन बींग को कम से कम एक एड्रेस चाहिए तो हम ये आईपी का पूरा रेंज यूज करके एक साथ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में सबके आईपी एड्रेसेस के डिमांड को सैटिस्फाई कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते क्योंकि अभी दुनिया में लगभग एट बिलियन ह्यूमन बींग्स हैं और हमारे पास अगर आईपी वी फोर यूज करे तो चार बिलियन एड्रेसेस हैं ये तो बस आधा है तो सबको अगर एक एक चाहिए तो फोर बिलियन से हम एट बिलियन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थैंक यू